तो मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, दो दिन में आई ब्रोक टू फोन्स। आज ये आईफोन 7 टूट गया और कल रात को मेरा ये आईफोन 11 प्रो मैक्स टूट गया, जो कि आपको अभी दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर जो भी इसका सेंसर वेंसर है तो वो टूट गया। इतना खर्चा। एनीवेज, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। वेलकम बैक एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एप्पल प्रोडक्ट्स आर सो एक्सपेंसिव। अभी मैंने ऑनलाइन चेक करा, ऑफिशियल एप्पल स्टोर पे आईफोन 7 का ग्लास है 649, विच इज अराउंड 13,000 Indian rupees, एंड 11 प्रो मैक्स दैट्स अराउंड 1,300 dirhams, 26,000 का ग्लास आ रहा है। सो आई एम थिंकिंग नॉट टू रिपेयर द आईफोन 11, बिकॉज 26,000 इट्स नॉट वर्थ इट। एंड आईफोन 7 पे यार बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती हैं, एंड 650 इज स्टिल मैनेजेबल, बट आई एम गोना रिपेयर इट फ्रॉम द ऑफलाइन स्टोर विच इज़ अराउंड 400, तो 8,000 के आसपास ठीक हो जाएगा। एंड दे गोना कम हियर एनी टाइम सून। दिस इज़ दुबई। दुबई की ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, यू हैव एवरी थिंग ऑन योर डोर स्टेप। मैंने कॉल करा, दे विल बी हियर इन 30 मिनट्स। सो मैंने फ़ोन ठीक कराने के लिए ऑनलाइन आई कॉल सम गाइज, एंड दे वेर सो क्विक, इन जस्ट 30 मिनट्स दे रीच्ड हियर एंड दे फिक्स ऑल द मोबाइल फोन इन योर अपार्टमेंट। तो अभी वो आने वाले आए, सिक्योरिटी गाइज कॉल्ड मी। सो या, इट्स अ गुड सर्विस। अभी मैं यहाँ ठीक कराने जा रहा हूँ, आई एम गोना शो यू द प्रोसेस कि कैसा वो ठीक करते हैं, बिकॉज इट्स रियली कूल टू सी द आईफोन ओपन एंड इसके नीचे क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं अभी जा रहा हूँ कोविड टेस्ट कराने, बिकॉज अगली फ्लाइट के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल दो आई एम वैक्सीनेटेड, बट देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डिफरेंट कंट्रीज। तो यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कोविड टेस्ट कराने जा रहा है सो दैट आई कैन गेट माय रिजल्ट्स ऑन टाइम। होपफुली इट्स सैटरडे और ट्रैफिक बहुत कम होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। मिनट पहले आया हूँ मैं, अभी थर्ड फ्लोर टेस्ट कराऊंगा एंड देन बैक होम। और टेस्ट के बाद देयर इज अ बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ वन ऑफ आवर फ्रेंड, सो वो भी अटेंड करने जाना है। तो ये होटल नहीं, हॉस्पिटल है। दिस लुक्स मोर ऑफ अ मॉल, बट दिस इज So done with PCR. The process was so quick. It took me 20 minutes to reach here and just 1 minute to do my PCR. तो घर जाने की वापसी, घर जाके करेंगे एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट। म्यूजिक गाना है, तुमने मजा आया, गाने भी अच्छे थे। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तो नहीं आता। वो गाना मुझे बेहद ज्यादा पसंद है, अक्सर प्ले करता हूँ मैं रेगुलर शो का। फ्रंट फॉर ऑन इग्नाइट 124 टुडे। यू आर ऑन दुबी। इंटरव्यू के लिए आए हो क्या तुम? तुम क्या इंटरव्यू के लिए आए हो? सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड जुवेलिया के बर्थडे। तो नहीं आया, उसका बर्थडे का सेकंड डे है और यूजुअली वो बर्थडे बहुत बिजी होती है, उसके बहुत फ्रेंड्स हैं। उसने बोला था कि यू नो वन एवर यू वॉन्ट टू हैव लाइक अ ब्रंच और समथिंग, बिकॉज हमारी वाइफ ऐसी है, ना मैं पार्टी करती हूँ ना सही पार्टी करता है, और वी डोंट हैव दैट लाइफ स्टाइल। तो हमने उसे बोला कि यू नो वेन एवर यू आर डन पार्टिंग एंड यू वांट टू चिल, यू वांट टू रिलैक्स, यू वांट टू हैव अ ब्रंच, मुझे ज़रूर मैसेज करना। उसने बोला हाँ, बर्थडे के नेक्स्ट दिन विल गो फॉर अ ब्रंच, एंड देन वी सेड यस लेट्स गो। प्लेस भी उसने डिसाइड करी है, शी इज़ लाइक, मैंने बोला बर्थडे गर्ल की चॉइस होनी चाहिए, बर्थडे गर्ल को कहाँ जाना है। हैप्पी बर्थडे जो इन दुबई। Thank you.
सो गाइज अभी वापसी हो गई है घर की एंड आई वॉज पैकिंग बैग फॉर माई टुमारोज फ्लाइट. आई एम गोइंग टू लिस्बन पोर्चुगल. अगर आपको नहीं पता होगा चेक माई प्रीवियस व्लॉग्स. आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर माई मंथली रोस्टर. सो इसी के साथ ये वीडियो एंड कर लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक इट गिव इट अ थम्स अप. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. इफ यू आर सेइंग दिस मैं कपड़े अभी सुखा रहा था. सो यस एंड कल फ्लाइट के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा बिकॉज माई यूनिफॉर्म इज स्टिल एट द लॉन्ड्री. So I have to go collect the laundry and get ready at the airport. So I'll see you guys tomorrow and goodbye.